नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में की मुलाकात। विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत 21 जल परियोजना के विकास और निर्माण की अनुमति देने का किया अनुरोध। चमोली जिले के नीलकंठ ट्रैक पर फंसे सभी 4 विदेशी पर्यटकों को रेस्क्यू कर बद्रीनाथ सुरक्षित लाया गया। स्पेन और ब्राजील के रहने वाले हैं पर्यटक। और मसूरी में 19 गिरासू भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू। नगर निगम प्रशासन ने गिरासू भवनों के स्वामियों को 7 दिनों का दिया नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में निरंतर मिल रहे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत 21 जल परियोजना के विकास और निर्माण की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब और काठगोदाम नैनीताल रोपवे परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा विकास और संचालन के लिए हस्तांतरित करने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत देहरादून गोचर देहरादून और देहरादून चिन्यालीसौड़ देहरादून की हवाई सेवा पुनः संचालित किए जाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को निर्देशित करने का आग्रह किया। उन्होंने चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर छोटे विमान संचालन की अनुमति के लिए संबंधित मंत्रालय को दिशा निर्देश देने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कुमाऊं और गढ़वाल को संयोजित करने के खैरना रानीखेत बंगीधार बैजरो मोटरमार्ग और काठगोदाम भीमताल लोहाघाट पंचेश्वर मोटरमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित करने और देहरादून रिंग रोड की अवशेष लंबाई की स्वीकृति का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। चमोली जिले में बद्रीनाथ क्षेत्रांतर्गत नीलकंठ ट्रैक पर फंसे सभी 4 विदेशी पर्यटकों को बीती देर रात रेस्क्यू कर लिया गया। इनमें 1 स्पेन और 3 ब्राजील के रहने वाले हैं। मंगलवार देर रात थाना बद्रीनाथ पुलिस को सूचना मिली कि कुछ विदेशी पर्यटक नीलकंठ ट्रैक पर फंस गए हैं। थाने ने मदद के लिए इसकी सूचना बद्रीनाथ स्थित SDRF पोस्ट को दी। रात ही घनघोर अंधेरे के बीच SDRF की टीम ने थाना बद्रीनाथ पुलिस के साथ मिलकर विदेशी ट्रैकर्स की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद चारों को नीलकंठ ट्रैक पर देर रात ढूंढ निकाला गया। इसके बाद इन सभी को बद्रीनाथ लाया गया। नीलकंठ ट्रैक पर निकले इन पर्यटकों में स्पेन निवासी 56 वर्षीय जोसेफ और ब्राजील निवासी 39 वर्षीय पाउलो और 38 वर्षीय रोड्रो और 43 वर्षीय डैनिलो शामिल हैं। चमोली के ज्योतिर्मठ में 1 सप्ताह के अंतर आपदा पुनर्वास कार्यालय स्थापित किया जाएगा। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आपदा पुनर्वास कार्यालय में 1 तहसीलदार, 1 रजिस्ट्रार कानूनगो और 2 अभियंताओं की तैनाती करने के आदेश दिए। गढ़वाल आयुक्त और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कल ज्योतिर्मठ पहुंचकर ज्योतिर्मठ मूल निवासी स्वाभिमान संगठन और ज्योतिर्मठ बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नगर की समस्याओं की जानकारी ली और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि ज्योतिर्मठ में सीवरेज, ड्रेनेज, नाली सुधारीकरण और प्रोटेक्शन कार्यों के लिए DPR बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है और IIT रुड़की से परीक्षण करने के बाद DPR इसी महीने केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के विस्थापन के लिए बमोत गोचर में भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन विस्थापितों ने इस पर असहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि जो लोग ज्योतिर्मठ में सुरक्षित स्थानों पर अपनी भूमि पर मकान बनाना चाहते हैं उस पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने SDM को निर्देश दिए कि ओली के पास फल संरक्षण की 500 नाली भूमि का भूगर्भीय सर्वेक्षण करा के प्रभावितों के विस्थापन की योजना की तैयारी की जाए। आपको पता है कि जोशीमठ में कुछ भूधसाव की घटनाएं हुई थी, उससे रिलेटेड इश्यूज पर इनके डिस्कशंस थे। इनको बता दिया गया है जो सरकार कदम उठा रही है, प्रशासन उठा रहा है। मुख्य रूप से जो हमारी DPR है वो लास्ट स्टेज में है
और मैं उम्मीद करता हूँ कि महीने भर के अंदर वो भी बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ एक डेडिकेटेड सेल बनाने की बात थी यहाँ आपदा पुनर्वास का, उसका भी गठन कर दिया गया है। तीसरा कुछ इनके निर्माण कार्यों से संबंधित विषय थे जिसको विस्तार से जिलाधिकारी को बता दिया गया किस तरह से कार्य करना है। कुल मिलाकर स्थितियाँ ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने फिल्म उद्योग में श्री चक्रवर्ती के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुरस्कृत फिल्में समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार प्रतिभा विकास, बुनियादी ढांचा और सरलीकरण के दृष्टिकोण के साथ फिल्म उद्योग को विकसित करने के लिए काम कर रही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स एबीएस कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल, बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी नगर पालिका परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 19 गिरासु भवनों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के निर्देशों के बाद नगर पालिका प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका प्रशासन ने गिरासु भवनों के स्वामियों को 7 दिनों का नोटिस देकर गिरासु भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। मसूरी अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया कि 7 दिनों के बाद नगर पालिका प्रशासन खुद गिरासु भवनों को ध्वस्त करने का काम शुरू करेगा और ध्वस्तीकरण का खर्चा भी गिरासु भवन के स्वामियों से ही लिया जाएगा। मसूरी भूदशा जब 2022 में हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि जो गिरासु बिल्डिंग है जिनसे कोई जनहानि हो सकती है उनको हटाया जाए। तो ये 2021-22 में सर्वे हुआ था जिसमें 19 बिल्डिंगें चिन्हित हुई थी। इन बिल्डिंगों को हटाने के लिए सीबीआरआई ने इनकी जांच करी, एमडीडी द्वारा जांच करवाएगी। सीबीआरआई ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए इनको तत्काल हटाया जाए। तो उसी संबंध में 1 सप्ताह का नोटिस इनको दिया गया है कि ये स्वयं हटा ले या नगर पालिका और प्रशासन इसको हटाएंगे और इस पर जो दिया जाएगा वो उनसे वसूल किया जाए। छात्राओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और विज्ञान के क्षेत्र में बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने विज्ञान ज्योति कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत अल्मोड़ा में कुमाऊं के विभिन्न स्कूलों और जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं के लिए जनपदवार क्रम से विज्ञान ज्योति प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कोडिंग, रोबोटिक्स, खाद्य मिलावट और विज्ञान के जादू पर आधारित कार्यक्रम की जानकारी दी गई। कार्यशाला में कल 50 छात्राओं को मानस खंड विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। साथ ही केंद्र में बने विज्ञान गैलरी और तारा मंडल भी दिखाए गए। जो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम है यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है बालिकाओं के लिए और उनमें जो विज्ञान के प्रति जिज्ञासा है उसको बढ़ाने के लिए जो हम रोबोटिक्स का, कोडिंग का और बाकी विज्ञान से रिलेटेड जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टेम से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं और जो कोर्सेज हैं उनको हम उनके उनसे परिचित कराते हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराते हैं जिससे कि इन बालिकाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिले। इससे पहले वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में वनाधिकारी और वैज्ञानिकों ने वन्यजीव संघर्ष और बचाव पर जानकारी दी। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह के तहत वन विभाग ने विभिन्न विद्यालयों में अलग अलग प्रतियोगिताएं कराई थी। समापन कार्यक्रम में इन प्रतियोगिताओं में विजेता रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस पूरे हफ्ते में विभिन्न स्कूलों में बच्चों को वन्यजीव, वातावरण एवं जंगल के बारे में उनको बताया जाता है और उसी के आधार पर उनके बहुत सारे कंपटीशन कराए जाते हैं, जैसे कि निबंध हो गया, पेंटिंग हो गया, और इसी पेंटिंग और निबंध इत्यादि जो कंपटीशन कराते हैं उसमें जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं तो उनको प्रोत्साहन हेतु एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था हमारे अल्मोड़ा जनपद के अंदर सिविल सर्विस डिवीजन अल्मोड़ा के तहत, और सभी को अवार्ड दिया गया जो फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।